शिक्षा की मुख्य धारा से दूर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित कर उनका जीवन संवारा जाएगा। ये कार्य प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं करेंगी। इसी संदर्भ में गुरुवार को एलिया बीआरसी पर 180 विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। पहली से 3 दिसंबर तक चले 3 दिवसीय शारदा प्रशिक्षण कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी उमेश गौतम के नेतृत्व में शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। आरपी नितिन त्रिवेदी, एआरपी रईस अहमद, प्राथमिक शिक्षक संघ राम प्रकाश साहू गुट के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता, आशीष पांडे, अतुल शर्मा, अश्विनी सिंह, सुशील पांडे, कमला त्रिपाठी, संतोष मिश्रा, प्रभाकर मिश्रा, राम कुमार चौधरी, गरिमा सिंह, विजय गौतम सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। प्रशिक्षण का उद्देश्य बताते हुए आरपी सिंह नितिन त्रिवेदी ने आई इंडिया को बताया, आज जो ये 3 दिन से प्रशिक्षण हो रहा है उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या उद्देश्य प्रशिक्षण का है, मुख्य क्या है इसका उद्देश्य? उद्देश्य तो हमारे विद्यालय में जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो किन्हीं कारणवश बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं और बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है शारदा प्रशिक्षण। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है और हमारे आदरणीय बीओ महोदय श्री उमेश कुमार गौतम जी के कुशल नेतृत्व में जो प्रशिक्षण चल रहा है बहुत व्यवस्थित प्रशिक्षण चल रहा है। खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और नाश्ता पानी की बहुत नहीं हो रहा है। हमारे बीओ महोदय के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही प्रशंसनीय है और आगे अगर ऐसे ही रहा तो हमारा विद्यालय जनपद में एक नंबर, हमारा एलिया बीआरसी हमारे जनपद में एक नंबर पे आएगी। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर। शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हो चुके बच्चों को 3 दिवसीय शारदा प्रशिक्षण कैसे जीवन बेहतर बनाएगा, इस पर प्रकाश डालते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष राम प्रकाश साहू गुट के सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया, आज जो ये प्रशिक्षण हो रहा है कितने दिन से हो रहा है और क्या इसका उद्देश्य है प्रशिक्षण का? हमारे विद्यालयों में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो उनका कभी विद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ या एडमिशन होने के बाद वो हमारी शिक्षा की मुख्य धारा से किसी कारणवश हट जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासन की मंशा अनुरूप एक शारदा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें हम उन बच्चों को चिन्हीकृत करते हुए उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ते हैं। उसी के निर्देशानुसार जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री उमेश कुमार गौतम जी हैं उनके कुशल नेतृत्व में यहाँ दिनांक 1 तारीख से दिनांक 3 तारीख तक, 3 दिसंबर तक यहाँ पर शारदा प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो हमारे 3 हॉल्स में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे 180 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के जो प्रधानाध्यापक हैं या जो सहायक अध्यापक हैं वो लोग यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। आपका नाम? पद? मैं एआरपी नितिन त्रिवेदी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।